कोरोना ने देश में मचा दी है दहशत। कोरोना का खौफ पसरता जा रहा है। अब तो रोज 48,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,000 के पार चला गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई देश पूरे एहतियात के साथ लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। कोरोना ने यूं तो देश में डर का माहौल बना दिया है, लेकिन इस कोरोना काल में भी धीरे धीरे स्थितियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अब चर्चा चल निकली है कि कोरोना की मार के बीच अनलॉक 3 होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल में 2 गज की दूरी और जरूरी एहतियात बरते जाएं। अनलॉक 3 में जिम भी खोले जा सकते हैं। जिम मालिक बहुत दिन से जिम खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था जो जून महीने तक चला। 30 जून को अनलॉक 3 के तहत कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ जो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। अब अनलॉक 3 में उम्मीद की जा रही है कि राहत की एक तीसरी किश्त मिलेगी। लेकिन इस राहत की किश्त में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी और जरूरी नियमों का पालन करते रहें। आज तक ब्यूरो।